सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी एपिसोड देखने के बाद फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवालों को भी जरूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का भाग 4। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तत्वों का आयुपैक नामकरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारे विषय तत्वों का आयुपैक नामकरण से। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, तत्वों के वर्गीकरण के लिए काफी सारे सिद्धांत दिए गए। उनमें से एक सफल सिद्धांत था आधुनिक आवर्त नियम का। इस नियम से हमें आधुनिक आवर्त सारणी मिला या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। स्क्रीन पर दिया गया चित्र मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया। तत्वों का नामकरण आयुपैक द्वारा किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम उन तत्वों का आयुपैक नामकरण सीखेंगे जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है, यानी जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। ऐसे तत्वों का नामकरण करने के लिए कुछ नियम दिए गए। आज की इस वीडियो में हम इन नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ऐसे तत्वों का जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है का नाम कैसे रखा जाता है। पहले नियम के अनुसार इन तत्वों का नाम छोटा होना चाहिए तथा तत्वों के परमाणु क्रमांक से संबंधित होना चाहिए या तत्वों के एटॉमिक नंबर से संबंधित होना चाहिए। यह नाम तत्व के परमाणु क्रमांक के 3 अंक के वर्गमूल द्वारा ज्ञात किया जाता है। इन नाम के अंत में IUM जोड़ा जाता है। स्क्रीन पर दिया गया टेबल इन संख्याओं के वर्गमूल को दर्शा रहा है। जैसे कि अगर संख्या 0 है तो हम लिखेंगे निल। अगर संख्या 2 है तो उसका नाम होगा बाई। अगर संख्या 6 है तो उसका नाम होगा हेक्स।
तत्वों के प्रत्येक उस वर्गमूल के पहले अक्षर द्वारा बनाए जाते हैं जिसके द्वारा तत्व का नामकरण किया जाता है। हमने अभी सारे नियम जान लिए। अब इस नियमों का उपयोग करके हम परमाणु क्रमांक का नामकरण सीखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक संख्या देख पा रहे हैं, मान लीजिए यह संख्या किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है। हमें 101 का नामकरण करना है। नियम के अनुसार 1 यानी हम लिखेंगे UN, 0 यानी NIL यानी NIL और 1 यानी UN, और नाम के बाद हम IUN जोड़ेंगे तो इस संख्या का नाम होगा अनिल अनियम। उसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 103। नियम के अनुसार एक संख्या को हम अन लिखेंगे यानी UN, 0 को हम निल लिखेंगे यानी NIL और 3 को हम TRI या ट्राई लिखेंगे और इस नाम के बाद हम IUM जोड़ेंगे तो 103 संख्या का नाम होगा अनिल्ट्रियम। उसी तरीके से एक और संख्या है 106 या 106। नियम के अनुसार 1 को हम लिखेंगे अन यानी UN, 0 को लिखेंगे निल यानी NIL, 6 को लिखेंगे हेक्स यानी HEX और इन तीनों के बाद हम जोड़ेंगे IUM यानी 106 का नाम होगा अनिल हेक्सियम। आपने इन उदाहरणों से इस नियमों को समझ लिया होगा, तो क्या आप इस प्रश्न को सुलझा सकते हैं? इस प्रश्न के अनुसार अनिल्ट्रियम का परमाणु क्रमांक हमें निकालना है, तो क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? अन यानी होता है 1, जैसा हमने नियम में पढ़ा था। उसी तरीके से एक और 1 आएगा क्योंकि यहां पर अन 2 बार दिया है और TRI मतलब 3 और नाम के बाद हम IUM तो जोड़ते हैं, इसीलिए अनिल्ट्रियम का परमाणु क्रमांक होगा 113। इस तरीके से हमने उन तत्वों का नामकरण सीखा जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है। अब हम अपने दूसरे विषय पे आते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अणु तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी आवर्त सारणी में उपस्थित तत्व की स्थिति उस तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या के बारे में बताती है। क्वांटम संख्या को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, एक आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्त और वर्ग में बांटा जाता है। तो आइए बात करते हैं आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आवर्त द्वारा मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए n का मान पता चलता है। n यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है।
पहला आवर्त या फर्स्ट पीरियड में सबसे पहली कक्षक यानी 1s को भरने से शुरू होता है। पहले आवर्त में हाइड्रोजन आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1 और हीलियम आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2। दूसरा आवर्त जिसमें n=2 है लिथियम से शुरू होता है तथा इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षक में प्रवेश करता है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से बेरिलियम भी दूसरा आवर्त में आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है या आधुनिक आवर्त सारणी का। इसमें आप दूसरे आवर्त को देख पा रहे होंगे जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा आवर्त लिथियम से शुरू होता है और नियॉन पे खत्म होता है। तीसरा आवर्त सोडियम से शुरू होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षा में प्रवेश करते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, यह आधुनिक आवर्त सारणी का है। इस चित्र में आप तीसरा आवर्त देख पा रहे होंगे जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। तीसरा आवर्त सोडियम से शुरू होता है और आर्गन पे खत्म होता है। फोर पी कक्षक भरने से पहले 3D कक्षक ऊर्जा के अनुसार पहले भरा जाता है। इन्हें 3D ट्रांजिशन सीरीज या 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, हाइलाइटेड रीजन को हम 3D संक्रमण श्रेणी या 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आवर्त के बाद अब बात करते हैं वर्ग यानी ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, एक समूह या ग्रुप में सारे तत्वों के समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह ग्रुप 1 या वर्ग 1 का है। इसमें सभी एलिमेंट्स या तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होती है। इसके बारे में विस्तार से हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। इसमें तत्वों को वर्गों में रखा जाता है। उन वर्ग के सभी बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होती है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने तत्वों का आयुपक नामकरण के बारे में जाना। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखा। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 2। तो अध्याय शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन व व्यवकलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य सदिश तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन से। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दोनों सदिशों के संकलन को दर्शाती है। मतलब अगर हम किसी त्रिभुज यानी ट्रायंगल की दो भुजाओं को दो वेक्टर यानी सदिश माने तो उस ट्रायंगल की तीसरी भुजा दोनों सदिशों का संकलन मतलब एडिशन दर्शाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले सदिश के पुच्छ तथा शीर्ष की बात करते हैं। तो सदिश जहां से शुरू होता है उसको हम कहते हैं सदिश की पुच्छ, और जहां पर सदिश का तीर का निशान होता है उसे हम कहते हैं सदिश का शीर्ष। तो सदिशों के संकलन यानी उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पहला सदिश दर्शाते हैं और साथ ही अगला सदिश इस प्रकार से दर्शाते हैं कि पहले सदिश का शीर्ष और दूसरे सदिश की पुच्छ एक ही बिंदु पर हो, और फिर हम प्रथम सदिश की पुच्छ से दूसरे सदिश के शीर्ष पर जो वेक्टर खींचते हैं वह सदिश पहले दोनों सदिशों का संकलन कहलाता है। अब यदि यहां पर सदिशों के नाम इस तरह डिफाइन कर दिए जाए जो कि है ए बी और बी सी और परिणामी सदिश ए सी, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जो कि है सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी बराबर सदिश ए सी। और इस तरह त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन किया जा सकता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों के व्यवकलन पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हम एक सदिश ए लेते हैं जो इस प्रकार है, और अब हम इसी सदिश का ऋणात्मक सदिश लेते हैं जिसके लिए हमें सदिश की दिशा परिवर्तित कर देते हैं, और इसी विधि का हम प्रयोग करते हैं सदिशों के व्यवकलन में। मतलब जिस तरह हमने सदिशों का संकलन किया था उसी प्रकार हमें जिस सदिश को घटाना है हम उस सदिश का ऋणात्मक सदिश पहले सदिश में जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। यदि आपको एक सदिश जो कि है सदिश ए बी इसे जोड़ना है एक दूसरे सदिश में जो है सदिश बी सी, तब आप त्रिभुज नियम द्वारा इसे इस तरह से व्यक्त करेंगे। पर अब हमें सदिश बी सी को ए बी में से घटाना है तो अब हम सदिश BC का ऋणात्मक सदिश लेते हैं, और हम ऋणात्मक सदिश जब सदिश AB में जोड़ते हैं तो हमें परिणामी सदिश AB माइनस BC मिलता है जिसे हमने यहां पर AB और BC डैश वेक्टर से दिखाया है। और इस तरह AB माइनस BC इज इक्वल टू AC मिल जाता है और त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों के संकलन पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन। इसके अनुसार यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो साथ की भुजा दो सदिशों को व्यक्त करें तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो दोनों सदिशों को स्पर्श करे एक नए सदिश को प्रदर्शित करेगा जो दोनों प्रारंभिक सदिशों का संकलन होगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इसके लिए हम एक सदिश लेते हैं जिसको हमें किसी और सदिश में जोड़ना है जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले सदिश को प्रदर्शित करते हैं जिसके नाम है ए बी और साथ ही हम दूसरा सदिश इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिसका नाम है बी सी। अब हम पहले और दूसरे सदिश के समांतर दो सदिश इस प्रकार लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज बन जाए जो कि इस तरह से है। तो यहां पर एक और सदिश आता है ए डी और डी सी। तो अब हम इस चतुर्भुज के द्वारा इन दोनों सदिश का संकलन ज्ञात करेंगे वो होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी जो इस तरह विकर्ण द्वारा दिखाया गया है और इस तरह हमें संकलन ज्ञात हो जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले एक सदिश को प्रदर्शित करते हैं जो कि है ए बी और हम दूसरा सदिश प्रदर्शित करते हैं जो है बी सी। अब हमें ज्ञात करना है सदिश ए बी माइनस सदिश बी सी। इसके लिए हम दोनों सदिश को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि हमें सदिश बी सी को घटाना है इसलिए हम सदिश बी सी की दिशा परिवर्तित कर देते हैं और अब हम इसमें चतुर्भुज विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम सदिश के नाम डिफाइन कर देते हैं जो है ए बी और बी सी डैश और अब हम समांतर भुजाओं का प्रयोग करके समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जो कि इस प्रकार है। और अब परिभाषा के अनुसार इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ए बी प्लस बी सी डैश के बराबर होगा और बी सी डैश है माइनस बी सी के बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू सदिश ए सी और इस तरह चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात हो जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों के संकलन का क्रम विनिमय गुण पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए ये कोई सदिश है जिसको हमें जोड़ना है एक दूसरे सदिश में। इसके लिए हम पहले सदिश को इस तरह डिफाइन करते हैं जो है सदिश ए और साथ ही दूसरे सदिश को इस तरह डिफाइन करते हैं जो है सदिश बी। अब इन सदिश को जोड़ने के लिए हम त्रिभुज नियम के अनुसार यहां पर एक इस तरह सदिश ले लेते हैं जो कि सदिश ए और बी का योग होता है। पर चलिए अब हम इसको एक दूसरे तरह से देखते हैं। मान लीजिए हम इसी में सदिश बी की स्थिति इस तरह परिवर्तित कर देते हैं और साथ ही सदिश ए की स्थिति भी इस तरह परिवर्तित कर देते हैं। तो अब हमारे सदिश इस तरह अपनी जगह से बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो परिणामी सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हम ऊपर वाले त्रिभुज में सदिश ए प्लस सदिश बी का मान ज्ञात कर रहे थे जबकि नीचे वाले त्रिभुज में हम सदिश बी प्लस सदिश ए का मान ज्ञात कर रहे हैं जिनके परिणाम बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर सदिश बी प्लस सदिश ए और यही सदिशों के संकलन का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं
और सदिशों के संकलन के सहचर्य गुण पर नजर डालते हैं। इसके अनुसार सदिश A तथा सदिश B को पहले जोड़कर और फिर सदिश C को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, वह सदिश B तथा सदिश C के योग को सदिश A में जोड़कर मिलने वाले परिणाम के बराबर होता है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार दर्शा सकते हैं, सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C बराबर सदिश B प्लस सदिश C प्लस सदिश A, और इसी गुण को हम सदिशों के संकलन का सहचर्य गुण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शून्य सदिश पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नल वेक्टर। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है। मतलब अगर किसी सदिश का मान शून्य है तो वह सदिश शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होने के कारण इसकी दिशा को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी सदिश की गुणा शून्य संख्या से की जाए तो परिणाम में शून्य सदिश मिलता है। जैसे यदि किसी सदिश A को इस संख्या से गुणा करें तो हमें परिणाम में जो सदिश मिलता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और सदिशों के वियोजन पर नजर डालते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का वियोजन एक प्रणाली है। मतलब सदिशों का वियोजन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक सदिश को कई अन्य सदिशों के रूप में तोड़ा जाता है। यदि किसी समतल में दो सदिश A तथा B हैं और इसी समतल में एक तीसरा सदिश C भी है, तो सदिश C सदिश A तथा B के रेखीय संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, जहां लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वास्तविक संख्याएं हैं। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा सदिशों का संकलन व व्यवकलन। उसके बाद हमने पढ़ा क्रम विनिमय व सहचर्य गुण तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा सदिशों का संयोजन। तो अगली वीडियो में हम सदिशों के संयोजन को जारी रखेंगे और साथ में पढ़ेंगे एकांक सदिश और विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का संयोजन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं और ये देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फैराडे के नियम के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम वैद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल से। एक वैद्युत अपघटनी सेल एक वैद्युत रसायन सेल है जो विद्युत ऊर्जा के अनुप्रयोग के माध्यम से एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया को चलाता है। अभी तक आपने ये चीज देखी थी कि एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें हमने इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं और उस प्रतिक्रिया से हम एक विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है, उससे एनोड और कैथोड जुड़े होते हैं और उस बैटरी के अंदर जो विद्युत ऊर्जा मौजूद है
हम उसकी मदद से रिडॉक्स प्रतिक्रिया को चलाते हैं। ये होता है वैद्युत अपघटनी सेल। बात करते हैं फैराडे के नियम के बारे में। माइकल फैराडे ने दो नियम दिए थे, तो हम अभी सबसे पहले वाला नियम देखने वाले हैं। तो माइकल फैराडे का पहला नियम कहता है, विद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ये फैराडे का पहला नियम है। आप इस नियम को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं फैराडे के दूसरे नियम की। फैराडे का दूसरा नियम कहता है, विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अभी तक हमने सिर्फ द्रव्यमान के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम जानेंगे कि तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। तुल्यांकी द्रव्यमान धातु का परमाणविक द्रव्यमान भागा धनायन को अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। आप इस चीज को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न को हल करने का तरीका। आपकी एनसीईआरटी में एक सवाल है, वो सवाल कुछ इस प्रकार है, CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। इसका हल जो है वो आपकी एनसीईआरटी में पहले से ही मौजूद है, लेकिन कई लोगों को इस तरह के सवाल समझ नहीं आते कि कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले कुल आवेश को निकालें। कुल आवेश को निकालने का तरीका क्या है, धारा को समय से गुणा करिए और इससे आपका कुल आवेश निकलेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि समय जो है वो सेकेंड में हो, मिनट में ना हो। फिर रिडॉक्स अभिक्रिया को लिखें। जो भी रिडॉक्स अभिक्रिया होने वाली है उसको आप लिख लें। उसके बाद आप कुल इलेक्ट्रॉनों का पता लगाइए। आप ये पता लगाइए उस रिडॉक्स अभिक्रिया में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। इन सब के बाद आपको कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपने निकाली है उसको 1 फैराड से गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो कुल आवेश निकाला था सबसे पहले, उस कुल आवेश से ये जो संख्या आई है अभी, जो आपने 1 फैराड से गुणा करके जो संख्या निकाली है उसको भाग कर दें। ऐसा करने के बाद आपके पास जो भी संख्या आई होगी उसे धातु के द्रव्यमान से गुणा कर दें। जैसे यहाँ पर कॉपर का द्रव्यमान पूछा था कि कितना होगा, तो आपको कॉपर के द्रव्यमान से उस संख्या को गुणा करना है। ऐसे करके आप कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकाल लेंगे। और इसी प्रकार कुछ अन्य सवाल भी हल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कुछ वैद्युत रासायनिक प्रकर्म यद्यपि संभव होते हैं, परंतु गतिकीय रूप से इतने धीमे होते हैं कि ये निम्न विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है जिसे अधिविभव कहते हैं, जो इन प्रक्रमों को और कठिन बना देता है। अधिविभव परीक्षा के उद्देश्य से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए और एनसीईआरटी से इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा।
सबसे पहले हमने वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फैराडे के नियम पढ़े, जिसमें हमने फैराडे के दो नियम पढ़े, और आखिरी में हमने वैद्युत अपघटन के उत्पाद पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इन सब चीजों को एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग एक से जरूर पढ़ लीजिएगा और इनके कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले बैटरियां पढ़ेंगे, उसके बाद हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे, और आखिरी में हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का चौथा भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और विद्युत सेल ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विद्युत ऊर्जा के साथ। तो आइए सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की परिभाषा जानते हैं। दोस्तों, एक निश्चित समय के लिए परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि ये कार्य कितना होता है। तो जैसा कि हम ओम के नियम से लिख सकते हैं कि वी बराबर होगा आई गुणा आर, जबकि विद्युत धारा आई बराबर होती है क्यू बटे टी के, या फिर इसे लिख सकते हैं कि क्यू बराबर होगा आई गुणा टी। तो दोस्तों, यहाँ पर किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर होगा बैटरी द्वारा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र यानी ई के, जो होता है विभव वी गुणा आवेश। तो यहाँ पर क्यू का मान अगर हम रखें तो कार्य डब्ल्यू बराबर होगा वी गुणा आई गुणा टी। दोस्तों, जब किसी परिपथ में ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित की जाती है तो वो इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में ली जाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर गति करना शुरू कर देते हैं। अब प्रतिरोध से गति करते समय इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध में उपस्थित आयन तथा परमाणु के साथ टकराते रहते हैं। इसी टकराव की वजह से आयन और परमाणु प्रतिरोध में हिलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और बहुत ही जल्द प्रतिरोध गर्म हो जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि किसी भी परिपथ को बहुत लंबे समय के लिए चालू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध गर्म होकर परिपथ को नष्ट कर सकता है। खैर, जैसा कि हमने कहा कि ये ऊष्मा का बनना मुख्यतः परिपथ के द्वारा ली गई विद्युत ऊर्जा की वजह से होती है, यानी हम लिख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होगी V गुणा I गुणा T के। और अगर ओम के नियम की मदद से यहाँ V का मान रखें तो समीकरण बन जाएगी H बराबर I R गुणा I T, या H बराबर होगा I की घात 2 R T के। दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। आइए अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे विषय विद्युत शक्ति की तरफ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों, परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है, यानी विद्युत शक्ति पी बराबर होती है किए गए कार्य अर्थात W बटे समय यानी T के।
और यहाँ कार्य को लिख सकते हैं V गुणा I गुणा T, यानी शक्ति P बराबर होगी V गुणा I के। अब अगर इसी में हम ओम के नियम की मदद से V का मान I R रखें तो P बराबर होगा I की घात 2 गुणा R के। या फिर अगर हम I का मान V बटे R यहाँ पर रखें तो P बराबर होगा V की घात 2 बटे R के। दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। आइए अब बढ़ते हैं अगले विषय, विद्युत सेल, EMF और आंतरिक प्रतिरोध की ओर। तो दोस्तों, विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ऐसा करने के लिए सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक आवेशित और दूसरा ऋणात्मक आवेशित। धनात्मक आवेशित टर्मिनल को कैथोड भी कहते हैं, जिसे यहाँ हरे रंग से दिखाया गया है, जबकि ऋणात्मक आवेशित टर्मिनल को एनोड कहा जाता है, जो लाल रंग से दिखाया गया है। दोस्तों, टर्मिनल के असमान होने की वजह से टर्मिनल के बीच एक विभवांतर बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होते हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर से प्रवाहित ना हो पाए, इसके लिए दोनों टर्मिनल के बीच एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करता है, और इसी पदार्थ की वजह से मिलने वाले प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसके अलावा दोनों टर्मिनल के बीच बनने वाले विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल यानी EMF कहा जाता है, जो किसी सेल के द्वारा एक कूलाम आवेश को परिपथ में एक पूरा चक्कर करवाने के लिए दी गई ऊर्जा भी होती है, और इसीलिए EMF का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। आइए अब इनके परिपथ चिन्ह देखते हैं। तो दोस्तों, एक सेल को परिपथ में कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। यहाँ पर लंबी लाइन सेल के धनात्मक और छोटी लाइन ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है, और क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसीलिए एक सेल को परिपथ में कुछ ऐसा दिखाया जाता है। यहाँ पर R सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। दोस्तों, इसी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विद्युत वाहक बल E का मान कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ इस परिपथ में सेल का EMF E है, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध R उपस्थित है, तो इस सेल की वजह से परिपथ में लगने वाला कुल विभव, जिसे यहाँ VBA से दिखाया गया है और जिसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, वह होता है V बराबर E घटा I गुणा R। किसी परिपथ में लगी विभव मापी टर्मिनल विभवांतर को मापती है, ना कि सेल के EMF को। आइए अब इसी पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 12 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 5 एम्पियर है, एक प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ के माध्यम से 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या है? परिपथ बंद होने पर बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में एक बाह्य और एक आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित है, जिसमें से हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया गया है और हमें बाह्य प्रतिरोध का मान निकालना है। इसके साथ ही हमें EMF दिया गया है, जो 12 वोल्ट है, जबकि परिपथ के अंदर विद्युत धारा है 0.3 एम्पियर और आंतरिक प्रतिरोध है 5 ओम। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि परिपथ में कुल धारा निकालने के लिए हमें EMF को कुल प्रतिरोध से विभाजित करना पड़ेगा, यानी I बराबर होगा E बटे R जमा R। तो इस समीकरण का उपयोग कर
हम बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा R बराबर E बटे I घटा R। अब इसमें सभी राशियों का मान रखने पर R आता है 35 ओम। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता निकालने के लिए हमें बैटरी के EMF में से आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आई विभव में कमी को घटाना होगा, यानी V बराबर होगा E घटा I R, यानी 12 घटा 0.3 गुणा 5, जो आता है 10.5 वोल्ट। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने बात की विद्युत ऊर्जा की, जिसे लिखा जाता है E बराबर V गुणा I गुणा T। इसके बाद हमने जाना विद्युत शक्ति को, जो होती है P बराबर V गुणा I। और अंत में हमने बात की विद्युत सेल, EMF और आंतरिक प्रतिरोध की। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत सेल का संयोजन और किरचॉफ के नियम की। तब तक के लिए गुड बाय। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।